लेट्स स्टार्ट। अब इससे पहले कि हम लोग अपनी बातें स्टार्ट करें, सबसे पहले मेरे को मेन पॉइंट्स हाईलाइट कर देने दो। सबसे पहले तुम्हारा हाईएस्ट स्कोर है ना, 1 2 थर्ड नंबर पे, बोथ इन ओवरऑल एंड इन ग्राफिक्स स्कोर, क्योंकि ये स्कोर कहीं दोनों स्कोर हैं, टिराल के 2 स्कोर हैं और उसके बाद तुम्हारा ही स्कोर है। और तुम्हारा स्कोर जैसे गंगाधारी शक्तिमान है वैसे एलओ की लीजन है, बहुत बढ़िया लिखे तो सही हो। हेलो, डिस्कनेक्ट हो गया क्या? नहीं, म्यूट किया था। अच्छा नहीं, बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एवरेज हाँ टेम्परेचर 89 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, लेकिन इसके बारे में बात करेंगे सेकेंडरी। अपन को मेन पहले जानना है ये क्या है, हार्ड ड्राइव 2 TB ये है ना। क्रोशल की और अगर 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 अगर, अगर ये इमेज देखें तो समझ जाएंगे। अरे वो तुमने वो दूसरी इमेज किधर है? अच्छा रुको, ये तब वो थी। तक मैं दिखा रहा हूँ, अगर है इमेज तो भेजो, तब तक मैं देखता हूँ इंस्टा पे मिल जाए तो वहाँ उसके से निकल बाद वाली रहा। क्या? नहीं, फाइल एक्सप्लोरर वाली जिसके अंदर दिख रहा था, ये हो गई 2 TB की SSD, हाँ, और और दूसरी ये भी 2 TB की दूसरे रैम ने इंक्रीज किया जब इतना कर लिया था कर देते 64 GB रैम भी कर रैम देते। अरे यार चलो कोई ना, वो मैं कर वो दूंगा, हाँ जब मेरा आ जाएगा तो मैं कर दूंगा, बस जरूरत है नहीं, काम तो चल ही रहा होगा 16 से, 16 ही था ना। अच्छा, हाँ हाँ राजा राजा राजा। हाँ अब तुम बताओ, अब तुम क्या कह रहे थे SSD वगैरह के बारे में, सब चीज़ के बारे में अब बोलो। ओके तो ये सैमसंग की जो एग्जिस्टिंग SSD थी, तो ये मेरी शुरू में ही मतलब 4-5 घंटे में ही फुल हो गई थी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे गेम हैं स्टीम पे। VR गेम भी हैं, ऑकुलस है हाँ मेरे पास में, और एपिक पे भी फ्री गेम्स जो आते रहते थे वो सब पड़े थे। और स्टीम पे मेरे 2 अकाउंट है, दोनों अकाउंट में मैंने बहुत सारे गेम्स रखे हैं। अच्छा एक दूसरा PC है, ये जो राइट वाला मॉनिटर है वो PC पे कनेक्टेड है, अच्छा और लेफ्ट वाला और ये लैपटॉप पे कनेक्टेड है। लैपटॉप पे मैंने HDMI केबल के थ्रू कनेक्ट किया था, तो ये 144 Hz तक ही दिखा रहा दिखा रहा था था। यहाँ पे। भले HDMI इसमें 2.0 का ही पोर्ट है, अच्छा और SSD मेरी फुल हो गई थी। और SSD मैंने इससे पहले एसर वाला लैपटॉप परचेज कर लिया था, तुमको स्टोरी पता है, तो घर के पास मैं आया था, फिर डिलीवर नहीं ओ हुआ, एसडी फिर पेरिफेरियल, उन्होंने मेल किया था। हाँ, एसर का जो एसबी थर्टी सेवन पेरिफेरियल, के टी आई एसबी थर्टी सेवन टी टी पेरिफेरियल आई वाला। हाँ, घर पे आया था, यस। डिलीवरी वाला कहता था कि बगल में ही हूँ और फिर चला गया, बताया था तुमने तो वो कभी डिलीवर हुआ नहीं, तो हाँ उससे पहले मैंने एक SSD खरीद ली थी किंगस्टन की अच्छा दूसरी, फिर वो SSD मैंने अपने PC में लगा दी, और एक बार साटा SSD ली थी, क्योंकि उसमें SSD साटा वाला पोर्ट था, तो वो भी मैंने अपने PC में लगा दी। HDMI टू और पॉइंट फिर वन कह रहे हो तुम, 2.0? मेरे मॉनिटर में HDMI 2 का ही पोर्ट है। अच्छा HDMI, वही मैं सोचूं, मुझे लगा इस लैपटॉप में शायद 2.0। ठीक है ठीक है, चलो हाँ बताओ हाँ, बताओ, क्या बता मॉनिटर रहा में था। तो SSD मेरे पास पहले से ही थी, मैंने प्लान कर रखी थी कि मैं अपडेट करूँगा। किंगस्टन की मेरे पास में अच्छी, ये किंगस्टन वाली शायद 4 तक है सपोर्ट, जो भी है V4, और क्रूशल वाली V3 है। तो नहीं समझा, क्रूशल वाली मैंने V3 V4 नहीं NVMe समझा। जेन NVMe जेन अच्छा 4, PCIe Gen 3 कह रहे हो? हाँ PCIe अच्छा जेन अच्छा अच्छा 3, हाँ Gen 3 और Gen 4 क्रूशल वाली P3 Gen, है, हाँ जेन Gen 3 3। है, और किंगस्टन वाली जेन 4 है। तो अच्छा ये जेन 4 वाली मैंने 2 ली थी, बट हाँ इसमें मुझे जो क्लोनिंग का जो सॉफ्टवेयर था ना, फ्री सॉफ्टवेयर, हाँ वो किंगस्टन वाली ड्राइव में कोई ऑफिशियल अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं है, ऑफिशियली सपोर्टेड। तो अच्छा मैंने क्या किया, इसका क्रूशल का पता किया, तो क्रूशल वाले फ्री सॉफ्टवेयर देते हैं जो विंडोज़ को क्लोन कर लेता है। अच्छा मैंने सैमसंग वाला यूज़ किया था, मैंने हाँ, तो सैमसंग वाला सैमसंग यूज़ या फिर ऐसे जो ऑफिशियली सपोर्ट करते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए किया। मैंने ये क्रूशल वाले ली, उसमें मैंने विंडोज़ क्लोन किया ऑफिशियली सॉफ्टवेयर से, और इसमें विंडोज़ डाल रखा है, और जो किंगस्टन वाली है वो गेम खेलने के काम आ जाएगी, तो वो भी 2 TB की है। अच्छा मैं क्या कहना और चाह रहा था, ये तो रीज़न था कि जेन 3 ही ली, क्योंकि सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिल रहा था क्लोनिंग का, तो वो इमिडिएटली क्लोन करने के बाद में नहीं वैसे तो जेन 3 इसलिए ली कि सॉफ्टवेयर क्लोनिंग का सपोर्ट मिला, तो वो तो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होंगे यार, ऐसा थोड़ी है। थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से मैंने ट्राई किया था मेरे PC पे, अच्छा तो मुझे उसका, ये जो किंगस्टन वाली है ऐसी मेरे पास में एक और है, वो मैंने अपने PC में लगा रखी है। मैंने
मेरी NVMe SSD, नहीं NVMe नहीं थी, कोई SSD थी, उसमें मेरा विंडोज, अच्छा एनवीएमई, ये केवल हाँ एक एक साइड एम और बी की साटा एसएसडी। हाँ साटा अच्छा वाली अच्छा थी, उसको मैंने क्लोन करने की ट्राई किया था, बट लास्ट में जाके वो मेरा ओरिजिनल विंडोज भी खराब हो गया। ये होता ही है। हम तो, अरे हाँ वो इतना सर का दर्द है ना, तो मैं तो सीधा बोलता हूँ क्लीन इंस्टॉल कर लो। सही, बहुत सही में सर तो का दर्द हो जाता लैपटॉप है वो। में, हाँ बट लैपटॉप में मुझे ऐसा लगा कि जो इनके सॉफ्टवेयर वगैरह है जो भी है, और दूसरा प्लस पॉइंट क्या है कि कभी भी, जैसे अभी जो मेरा दूसरा फ्रेंड है, तुम जानते होगे, उसका इशू आया था लैपटॉप में, कौन सा वाला? बूट नहीं हुआ था, यहीं पुणे में रहता है वो भी, उसका बैटरी पूरी डिस्चार्ज हो गई थी, और उसके बाद में फिर बूट नहीं हुआ था, फिर उसने बोला, तो कंपनी वालों ने बोला कि मदरबोर्ड का इशू है, तो रिप्लेस या करवाना पड़ेगा, तो वो रिटर्न ही होता है क्योंकि कस्टमाइज है, तो उसका भी वो सील पैक पड़ा है। तो उसमें क्या होता है कि डीओए जब किया वो हुआ है क्या? बंदा, सॉरी, डीओए किया हुआ है, डेड ऑन अराइवल हाँ वाला जो? DOA किया उसने, करवाया अच्छा उसने, तो उसमें क्या होता है कि जब भी वो बंदा आता है, आपका पीस, ये लैपटॉप पूरा खोलता है, एक एक पार्ट का एक एक सीरियल नंबर चेक करता हाँ, है। मेरे साथ हो चुका है, मैंने अपना हाँ करवाया था ना तो लीजन। हाँ, तो ये सैमसंग वाली जो SSD है, ये मैं एज इट इज अपने पास रखूंगा, उसमें हाँ, इस इन्हीं का ही OS रहेगा, ताकि आगे जब भी कोई फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम हो। आई, ये SSD लगाई, अगर मुझे रीसेल करना हुआ या फिर अगर ऐसा कुछ होता है प्रॉब्लम, तो हाथों हाथ में दोनों SSD निकाल के ये वाली SSD लगा के फिर कस्टमर केयर को फ़ोन करूंगा कि देखो मेरे प्रॉब्लम है कुछ भी। नहीं वैसे रिस्क, वैसे रिस्क कोई, कुछ कह नहीं सकते ना, हाँ अगर कभी भी है कुछ भी कहीं हो सकता और लगा दो, अरे वो खरीद लो, तो नहीं आता M.2 to USB, है, वो भी है। वो भी होगी फिर बातें खत्म साइड से। वो भी हाँ उसे विंडोज उड़ा दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बाद में इंस्टॉल कर देना। या अगर चलो छोड़, प्रॉब्लम अगर आएगी तो करेंगे। अगर ऑप्शन है तो फिर क्या ही सोचना। अब एक थोड़ा हमको बताओगे ये क्या चल रहा है ये? लास्ट में जब मैं एकदम स्कोर नंबर जो था ना मेरे 3 4 5, मतलब जब वो क्लोज आने लगा, तो फिर मैंने सोचा यार मेरा CPU स्कोर बहुत कम आ रहा था, अगर मेरे लास्ट के 2 स्कोर देखोगे ना, कभी CPU अच्छा था कभी GPU अच्छा था, तो मोस्टली मुझे, मैंने GPU का जो ओवरक्लॉक करने के बाद देखोगे ना, तो जो टॉप वाला है या जितने भी ना टॉप 1 2 3, उन तीनों से मेरी GPU की मेमोरी स्पीड भी ज़्यादा है, और यहाँ GPU कोर क्लॉक और GPU मेमोरी अट्ठाईस क्लॉक। पचास 28 20 28 35 28 20। अच्छा हाँ, तुम्हारा 28 50 है, इससे पहले भी 50 था। ये तो बाबा हाँ का है, सबसे ठीक है। ज़्यादा है, और GPU मेमोरी क्लॉक भी देखोगे तो वो भी सबसे ज़्यादा है 23 50 22 आई थिंक। 28 23 50 23 59। हाँ उनसे हाँ तो ज़्यादा है। हाँ तो जब मैंने GPU पूरा मैक्स आउट कर लिया, मुझे लगा कि इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेते, तब प्रॉब्लम आई कि यार CPU की वजह एक से सेकेंड, मार खा रहा है। जीपीयू मैक्स आउट कर दिया मतलब ये, हाँ ओवरक्लॉक कर दिया पूरा। अच्छा 265 कर दिया कोर में और मेमोरी में 1435, इतना हो गया? पिछले दिन हाँ कितना था उस बंदे का? मेरे ख्याल से 1100 था, मेरे को याद ही नहीं आ हाँ रहा। 1100 था क्या? मैंने, हाँ 1100 था, अच्छा और वो शायद 200 था, कर्व वगैरह एडिट या फैन वगैरह, कर्व वगैरह कुछ नहीं एडिट किया नहीं था क्या? किया मैंने। अच्छा हाँ मैंने फुल किया था, सब चीज़ें फुल पे थी, अच्छा जो आवाज़ कितनी अपना तेज थी? अनकंफर्टेबल? मेरा PC थोड़ा, लैपटॉप थोड़ा दूर पड़ा था, तो इतना अच्छा ज़्यादा, बट है 100% पे तो सुनाई देता हाँ ही आराम सुनाई से। दे रहा है। तुम्हारी फोटो मैं खोज रहा हूँ, तुमने शायद वेंटेज का दिया था ना फोटो? नहीं मैं नहीं अभी नहीं दे देता हूँ। ओ अच्छा, तुम अभी स्क्रीन पे शेयर करके दिखा रहे थे। अच्छा हाँ मैं दिखा कर सकता हूँ। करोगे करना जब स्टार्ट? हाँ ओके क्या तो मोड्स थे? ये कस्टमाइज में जाके, परफॉर्मेंस में जाके, ये सब पूरा मैक्स आउट कर दिया अच्छा सीपीयू को भी सब कुछ, 87 डिग्रीज और कैसे आ रहा था सीपीयू? GPU है शायद 87, ये GPU 87 है और CPU नहीं 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 100 है। यहाँ पे नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ की नहीं बात कर रहा मैं। अच्छा मैंने वहाँ पे तुम्हारे स्कोर में, स्कोर में देखा था, मैंने देखा सीपीयू है तुम्हारा एवरेज टेम्परेचर, जीपीयू तो 74 है और सीपीयू ओनली 89 हाईएस्ट में। इतना कम मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तुमने उस समय फ़ैन चलाया था 100 क्या पे जब वो जाना स्कोर हुआ चाहिए। था? एक्सटर्नल फ़ैन उस समय लगाया था क्या? हाँ लगाया था जब टॉप अच्छा, स्कोर के और लिए, जब नहीं लगाया था तो कितना स्कोर रहा होगा उसके नीचे वाला, सेकंड वाला? अच्छा सेकंड वाला या उससे भी नीचे वाला होगा, आई पहले थिंक लास्ट वाले 2 3। एक दो और उसके भी नीचे है ये वाला, फिर भी अच्छा स्कोर है। 11800 के अराउंड सीपीयू जीपीयू बोथ, सॉरी सीपीयू हाँ जीपीयू नहीं, ओवरऑल 11 और समथिंग था। ग्राफिक्स 11700 आई थिंक। ओके
दूसरे का भी और आ रहा था। ठीक है, हाँ, फैन यहाँ पे स्पीड ये फुल फैन कर दे। स्पीड फुल कर दिया, तो अच्छा, अभी जैसे है तो अभी फुल स्पीड में आवाज़ आ रही है। और जीपीयू ऑवरक्लॉक यहाँ से नहीं करना है, जीपीयू ऑवरक्लॉक अपने सीधा है, मैं सही से। अच्छा, एमएसआई से करना है। तो मैंने यहाँ पहले एक नंबर से शुरू किया, प्रोफाइल जो दिख रहा है स्क्रीन, हाँ, दिख रहा दिख रहा। ट्रिपल टू और ट्रिप ये सारे वन। उसके बाद में फिर मैंने सेकंड पे गया, थर्ड पे गया, मेमोरी और बढ़ाई, फिर फोर्थ पे गया, दोनों थोड़ा थोड़ा बढ़ाया, फिफ्थ वाला, क्योंकि मैंने फिर जैसे मैंने बताया कि मेमोरी और क्लॉक दोनों मैक्स आउट कर लिए थे, तो फिर डायरेक्टली मैंने वो बेंच मार्क के रन कर लिया। अच्छा, टाइम स्पाई का जो बेंचमार्क रन किया तुमने, वो सस्ते वो लॉन्ग वाला किया स्टेबिलिटी चेक करने के लिए? एक तो होता है शॉर्ट रन, एक बार चल गया। एक होता है क्या कि जब जब भी ऐसे ओवरक्लॉक किया करो ना, तो ये क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए चलने दिया करो। वो एक ऑप्शन हाँ आता वो है नहीं। उसमें कि लूप लूप्ड करके कुछ होता है, इसमें भी सीनियर बेंच में भी होगा ऊपर कहीं, वो हाँ कर इसमें तो लेना अभी जैसे मैंने स्टेबिलिटी के लिए। रन जीपीयू के लिए कर लेना, सीपीयू के लिए उतना जरूरी नहीं। हाँ, ये रहा ना टेस्ट किया स्टेबिलिटी 30 मिनट्स वाला, अभी कॉल पे कर रहे हो तो कम आएगा स्कोर। ऐसा किया था क्या पहले डन? सीपीयू का तो किया था, है कहीं सेव किया हुआ स्कोर? नहीं सेव तो नहीं है। अच्छा, चलो चलने दो इसको, फिर भी देख लेते हैं। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, और सीपीयू का टेम्परेचर अभी दिखाना जरा, जो इसको चलाए ही है तो 100 डिग्रीज हंड्रेड पे है। जा रहा अच्छा, है ना, अभी नहीं तो क्या टच कुछ? होता है। अभी फैन लगा हुआ है नीचे लैपटॉप के अच्छा, बाहर बालकनी में बैठा हुआ है, और ये तो इसमें यानी तो 100% पे है ही। ये कितना वाट जा रहा है, 83 81 वाट। ये मल्टी, अच्छा मल्टीपोल है ना। हाँ, मैक्स गया था 91 92 वाट तक लगभग चला गया। नहीं, 45 वाट का सीपीयू है और 90 वाट जा रहा है। सीपीयू तो जाएगा ही, टेम्परेचर अपना जाएगा। अच्छा, वो है क्या जीपीयू जी तुम्हारे पास इंस्टॉल? नहीं अभी तक नहीं किया। अच्छा, एक बार उसका टेम्परेचर देखना था। अगर नेक्स्ट टाइम चलाओगे ना ये टाइम स्पाई का वाला, जीपीयू जी डाउनलोड करना, उसके अंदर एक होगा जीपीयू मेमोरी टेम्परेचर। आई थिंक इसमें भी होगा, इसमें देखना कहीं है क्या जीपीयू के अंदर, इसमें भी होना चाहिए। वही तो है मेरे ये है ख्याल ना, से, जीपीयू ग्राफिक्स मेमोरी, मेमोरी और वीडियो ये रहा ये रहा। ऊपर वाले। हाँ, ये वाले जीपीयू मेमोरी वाला टेम्परेचर। जो मेमोरी वाला टेम्परेचर है ना, 15 अगस्त के पहले जितना एलओक्यू निकले थे उनमें प्रॉब्लम थी, 15 अगस्त के बाद उन्होंने चेंज कर दिया थर्मल पैड को। पहले क्या था, ठीक से टच नहीं हो रहा था, वो तो 160 डिग्रीज जा रहा था स्टार्टिंग। नेक्स्ट टाइम रन करोगे तो बस चेक कर लेना कितना आया, 15,000 आया कॉल पे जब हो तब ना, 15,803। एक बार वो कर देना, 16 तक जाता है आई थिंक, 17 तक जाता है वैसा अगर छोड़ दोगे मेरा प्रॉपर चलोगे मेरा तो। 16 तक जाता। हाँ अच्छा, ये सी क्या कहते 16 हैं समथिंग। इसी इसको ये करना, क्या कहते हैं, अरे यार, लेनोवो वेंटेज में जाके थर्मल लिमिट लगा देना जरा 85 का। टेम्परेचर ना, सीधा टेम्परेचर लगाओ और कुछ मत लगाओ, सॉरी सीपीयू 85 लगा 85 कर दो सीधा, सबसे कम। हाँ, मिनिमम 85। मैं देखना चाह ओके रहा हूँ, एक बार और चला ही दो मल्टीकोर, मल्टीकोर जल्दी हो जाता है। ठीक है, एक बार वो रिसेट कर देना स्कोर को, स्कोर को रिसेट कर देना। इधर HW मॉनिटर वहीं पे है रिसेट, ये कौन सा है, HCPU ID, छोड़ दो कोई बात नहीं, चलो याद है ओके ऐसे देख, छोड़ दो छोड़ दो कोई बात नहीं, ऐसे ही देख लेंगे। कहाँ है टेम्परेचर्स, वो है क्या ऊपर अभी कितना जा रहा है, 85? फाइव कुछ देर चलने दो। ना लॉक करे ना हमने। मैं देखना चाह रहा हूँ परफॉर्मेंस हिट कितना होता है। अच्छा, और क्या क्या बताना है लैपटॉप? अच्छा, एक बात मेरे को ये दिखाओगे, स्टोरेज का दिखाना जरा। अभी तो मैंने और भी भर दिया होगा। वो विंडोज दबा के लिखना स्टोरेज, विंडोज दबा के लिखना इसमें भी स्टोरेज, दिखाता है ये 54% और ट्वेंटी ये थ्री नहीं, ये नहीं परसेंट देखना मुझे स्टोरेज। हाँ नहीं, ये नहीं है, विंडोज दबाओ लिखो, या क्या कहते हैं उसको, नहीं ये भी नहीं, ये लिखो फॉर्मेट, FORMAT, फॉर्मेट। और नीचे आया क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क पार्टीशंस। अच्छा। फुल स्क्रीन करना। ठीक है, मैं देखना चाह रहा था कि तुमने SSD में स्पेस ब्लैंक कर रखी है नहीं कर रखी है। SSD में कहते हैं कि 10% या 5% ना स्टोरेज को एकदम अनअलोकेटेड रखना चाहिए SSD का लाइफ ज़्यादा के लिए। SSD देख लेना जो उनका सॉफ्टवेयर होगा तो, 1.8 TB। ठीक है, 14204, नहीं
और उस समय था कितना, 15,600 समथिंग, फिर हाँ भी डिसेंट परफॉर्मेंस आई थिंक, बहुत ज़्यादा तो नहीं ड्रॉप किया, जैसा एकदम एक हाँ ही बार में करना चाहता है वैसा नहीं किया, और टेम्परेचर आई थिंक नहीं गया 85 से ज़्यादा। हाँ वो ये तो काम करता है इनके दोनों। एटलीस्ट मेरा प्लान ये है कि इसको 90 तक रखने का, और थर्मल पेस्ट नहीं चेंज किया, जैसा है वैसा है। नहीं नहीं हाँ और जीपीयू टेम्परेचर कभी 87 जाता ही नहीं वैसे तो, बट इसको भी सेफर साइड पे जीपीयू ही तो पे बहुत ये है, एनवीडिया तो छूने ही नहीं देगा, बहुत ये होता है वो। 80 तक तो जाता है आई थिंक। अभी तुमने दिया था स्कोर तो उसमें कितना गया था, 75, हाईएस्ट में तुम्हारा 75 ही गया था, ज़्यादा थोड़ी गया था, मैं देखूँ जरा अभी कहाँ गया। 74 गया था, बताओ, जिस समय तुम्हारा हाईएस्ट स्कोर था। बोलता रहो, हार्ड लॉक करके रखते हैं भाई वो एनवीडिया वाले। अच्छा, और कुछ है क्या इसमें दिखाने के लिए? बस यही है, और अभी तक इससे ज़्यादा मैंने, क्योंकि ज़रूरत नहीं थी तो मैंने ट्राई नहीं किया, बट मेरे को लगता है कि ये चला जाएगा और ज़्यादा जाएगा क्लॉक और मेमोरी क्लॉक, बट वही है कि जो फिर क्रैश होना स्टेबिलिटी शुरू हो टेस्ट, जाएगा। हाँ, तो हाँ पहले स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी टेस्ट टेस्ट करो, एक टाइम स्पाई का रन लगा दो, लगा के रात भर छोड़ दो, देखो कितनी बार क्रैश करता है, तब एक्चुअल पता चलेगा। लेकिन अगर पूरे रन में एक बार नहीं क्रैश किया तो आई थिंक सही है, वरना उतने में ही बता देता। मैंने कर रखा ना, 2-3 बार रन किया था ओवर क्लॉक, वो हाँ अटक जाता है पूरा, मैंने ओके स्क्रीन ही अटक जाता है या वैसा कुछ, मतलब हार्ड लैपटॉप रिस्टार्ट करना ही पड़ जाता है, हट नहीं जाएगा लैपटॉप बाय द वे, इन केस पे देख कुछ लोग होते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, इसमें अंडरवोल्ट वगैरह का कोई ऑप्शन नहीं है क्या? ट्राई नहीं किया मैंने, पता भी नहीं है मुझे, इस पर सेटिंग पे क्लिक होना तो करना है इधर। चाहिए जो कर्व वाला जो है इसमें होना अच्छा चाहिए। हाँ, ये यही चीज तो करना है, मेन तो ये है वो करने से। अच्छा, अब ये मेरे ख्याल से 1100 वाला पॉइंट दिख रहा है इधर राइट में। एक बार सबसे पहले टेम्परेचर को तो जाके लिमिट हटा दो, सारे कस्टम में जाके पीछे सारे हटा दो, एक बार करके देख लेते हैं। लेकिन करके चेक कैसे करेंगे वो हाँ तो वो डालना चेक पड़ेगा, कैसे ठीक है मैं करेंगे? करता हूँ बाद में और हाँ, पिंग अपने से करता हूँ। करना, इसको थोड़ा सा नीचे करना और एक बार करके देखते हैं। ठीक है, हम स्क्रीन शेयरिंग बंद करो, मैं फाइनल थॉट्स एक बार करके, ठीक है, एक बार मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसको फाइनल करके ख़त्म करते हैं। और जो कीबोर्ड वगैरह है ना, जो सब चीज़ें, सबका लिंक दे रहा हूँ, मुझे पता है 5 लोग पूछेंगे कि भैया कीबोर्ड कौन सा था, ये पंखे का तक लिंक मांगेंगे, मुझे पता है ना भैया पंखा कौन सा है। अच्छा, एक बात बताओ, तो फिर ये फैन, ये मेरे को, हाँ स्ट्रीमिंग चल रही है क्या? अभी चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है, ये मेरे को, ये अप्रोच मेरे को पता है सही नहीं लग रहा, इस तरह से वायर रखना, ये पोर्ट्स पे प्रेशर देगा ऐसे करके ना, ये खासकर HDMI पोर्ट बहुत हैवी होता है, वो नीचे खींच रहा होगा इसको, इसके अंदर जो मदरबोर्ड से वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसको थोड़ा सा उठा दो, कुछ यहाँ पे रख दो कि उस पर डायरेक्ट प्रेशर ना पड़े। तो ऐसे ऐसे करंट सेटअप है क्या अभी, ऐसे ही? हाँ, हाँ अभी रखा हुआ था, 2 ही दिन तो हुए। इसको कर लो किसी तरह, ये मेरे को बहुत इरिटेट कर, चार्जर का चलेगा फिर भी, लेकिन ये चीज़ ये परेशान करेगा। ये क्या है, ये क्या है? ये USB 2 Type-C कन्वर्टर है और Type-C से वो कीबोर्ड कनेक्टेड किया हुआ है। टाइप सी पोर्ट है ना लैपटॉप में कि नहीं है? हाँ उससे मैंने अगर देखोगे ना तो चार्जर कनेक्ट किया हुआ है लेफ्ट साइड में। मैंने Type-C का भी चार्जर लगाया था और अपना DC वाला चार्जर भी लगाया था कि जस्ट इन केस, अगर मैं सोच रहा था कि CPU और GPU अगर अच्छा, टू दोनों एक पावर साथ सप्लाई, रन होंगे। ये इस, मैं पूछने वाला था कि दो चार्जर क्यों चला रहे हो तुम ये? दूसरा मेरा ऑफिस के लैपटॉप का है अच्छा, और क्योंकि ये डुअल सपोर्ट इनपुट। करता है तो मैंने सोचा एक बार ट्राई करूं, बट अभी प्रॉपर टेस्टिंग या उसका रिजल्ट्स नहीं है कि जब CPU और GPU दोनों फुल 100% पे चलेंगे ना तो क्या होगा, क्योंकि अपना बैटरी दे पाएगा क्या, या फिर बहुत इस पर डाउट हो रहा था, 170 वाट पे होगा या नहीं होगा हाँ तो लैपटॉप वो इतना। कभी टेस्ट करके बताएंगे। ये अच्छा, मेरे को चिप के बारे में पूछना था, छोटा वाला स्लॉट ये है क्या, इधर वाला? राइट वाले जो स्लॉट है जो अभी किंगस्टन वाली है हाँ, उसपे सैमसंग वाली SSD ऐसे। थी अच्छा, तो ये जो वो किंगस्टन हटेगा वाली वो जो हटेगा। ड्राइव है, इसके पीछे चिप्स कितने हैं वो, मतलब क्या पीछे भी चिप है क्या नहीं इनके? सिंगल साइड। अच्छा, इसीलिए लग गया, कोई कह रहा था कि बीच में शायद वो है नट है तो लगने में दिक्कत, जेरेड कह रहा था, सही है क्या? हाँ हाँ वो है थोड़ा सा, अच्छा, तो इसका मतलब बट सिंगल, सिंगल साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सिंगल साइड वाला यहाँ पे आराम से लग गया, यहाँ पे तुमने क्रूशियल का पीस लगाया। तुम तो बहुत कुछ कर सकते हो यार, तुम इसका वर्सेस इसका स्पीड वगैरह रन करके चेक कर सकते हो, गेम इस पे खेल के कर सकते हो। अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दो। सही बोल रहा हूँ मैं? बहुत कुछ है मेरे पास करने को, तो 3D प्रिंटर पड़ा है। अरे यार लीजन कहा नहीं ले लिया, मत बोलना ये हमारा वाला माउस क्या है, ये क्या बहुत ये खेलते नहीं क्या उससे? वो पीसी पे G304 लगा हुआ है। हाँ वही के सेम। बहुत भारी माउस है भाई। 0102 की आदत थी, मैं सोचा कुछ नया लूँ, वो 2 साल ही चलता है। कौन सा है दूसरा वाला? ये भी इसी का ही है, गेमिंग माउस। ये वायरलेस है जो कॉस्मिक कनेक्ट बाइट किया है हुआ क्या? है कीबोर्ड। हाँ एक कॉस्मिक बाइट का है वायरलेस वाला, मतलब इसमें दोनों है, ये टाइप सी वाला, और जो दूसरा वाला है वो जेब्रोनिक्स का है। दोनों में कीज चेंज होती है, इसलिए मैंने लिया। MX चार MX के स्विचेस लगा रखे हैं मैंने, चार WSD में कॉस्मिक बाइट में, और कितने का पड़ा चलिए दूसरे एमएक्स में का स्विच? मैं उठाना सोच ओके। रहा था ये काम करने का जो तुम कर रहे हो ना। एग्जैक्टली ये मैं ये हाँ सोच हाँ रहा था करने का कि कॉस्मिक ले बाइट की लो। वेबसाइट से लिए थे मैंने। कुछ है, अभी एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं है। 10 का पैकेट था और महंगा है वो विद रिस्पेक्ट कोई टू दूसरी कंपनी थी वो 500 रुपये पर ओटानो की मांग रही थी। कॉस्मिक बाइट और कीज चेरी एमएक्स 550 रुपये है ना, पैक ऑफ 10। हाँ कितने पीस हैं लेकिन? हाँ अरे यार क्या टेन वेबसाइट बना दस ही है रखी ना। है। 1 सेकंड रुको, हद है, बहुत पुराना पेज है मेरे ख्याल से इसलिए नहीं खुल रहा। पैक ऑफ 10 में 10 पीसेस हैं, और आई थिंक ओटेमो वगैरह के उनके ऑटो में शायद तो 20 का हो सेट गया, है। अच्छा क्या नहीं लिया ऑटो में दूसरा? उसमें ओरिजिनल में ऑटो में ही लगाया क्या? अच्छा हाँ दोनों में ऑटो में लगे हुए हैं। मेरा चला नहीं, जेब्रोनिक्स लॉन्ग में लॉन्ग नहीं रेड चला वाले मेरा। थे अरे यार क्या वेबसाइट है और इनकी। उसमें ब्लू थे। हाँ ये रहा, चेरी एमएक्स स्विचेस कंपैटिबल विथ हॉट स्वैपेबल पैक ऑफ 10, यहाँ लिख रखा है 550, 50 रुपये एक का, इतना सस्ता? आई डोंट थिंक सो। है ना बहुत लोगों ने लिया है। इतना सस्ता नहीं होगा। तुमने भी रेट लिया क्या? दूसरा लिया मैंने, शायद सिल्वर वाले लिए, सेम रेट है। हाँ अच्छा इसी में ही वेब, अगर ये पेज ओपन होता है तो उसमें आता है, दो मैं खोल ही नहीं रहा, क्या ऑप्शन है। पता नहीं क्या कर रखा है। 1 सेकंड रुको, फोन पे खुलेगा क्या? यहाँ पे भी वही हाल है। क्या कहते हैं उसका, कैटेगरीज गेमिंग कीबोर्ड मैकेनिकल स्विचेस थिंक इसमें हो। अगर 550 का 10 स्विच है तो 100 स्विच का पड़ जाएंगे 5,000 रुपये, 5,500। मेरा बहुत मन है चेरी एमएक्स का प्योर, मतलब एक ढंग का कीबोर्ड लेने का। बहुत सस्ते सस्ते कीबोर्ड कर लिया ट्राई, अब मन कर रहा है लेने का, लेकिन ब्लू रेड मैंने ट्राई कर लिया, मेरे से नहीं हो पाया। टाइप के बहुत करता, पास दो ही हैं शायद, खुल ही नहीं रहा ये। कॉस्मिक बाइट बाइट कॉस्मिक बाय बाइट वालों के पास चेरी दो ही एमएक्स हैं। स्विचेस इंडिया, ये पता नहीं कौन है किक्रॉन, ये पता नहीं कौन है मैक्कीस, इसके बारे में कोई बता रहा था मैक्कीस के बारे में। ये रहा अमेजोन, एटसी से लेंगे ये सब चीज़ें। ये रहा 110 स्विचेस 3699, इसीलिए आउट ऑफ स्टॉक हो गया। तो ये कितने स्विचेस हैं? तुमने सिल्वर स्विच लिया क्या? कौन सा स्विच बोला तुमने? हाँ चेरी आई थिंक सिल्वर सिल्वर ही नहीं है, है, मैं ये वाला है क्या? साइलेंट करके हैं। हाँ मैं देखा है, गेम के लिए, गेमिंग हाँ के लिए। जो जो ओते में, ओते में नहीं चाहिए। चेरी हाँ ये एमएक्स वाले ये दे रहा वैसे है, ही है दिखने में। ये पर कितना दे रहा है ये? एक, अच्छा पैक ऑफ 10, हाँ ठीक है, पचास इसमें रुपये का। नीचे, हाँ नीचे जाना, इसमें राइट साइड में जो इमेजेस हैं, हाँ इसमें ब्राउन सबसे राइट वाला, एंड स्पीड सिल्वर RGB। हाँ ये है। RGB नहीं है मेरे पास में। ये रेट है भी इनके पास क्या? आउट ऑफ स्टॉक है मैक्कीज। इससे किसी बंदे ने दूसरा कीबोर्ड लिया था, बोल रहा था भैया, तो मैंने पूछा कि क्या है इसका, मैंने इनको मेल किया था मैंने कि क्या है रिटर्न पॉलिसी रिफंड पॉलिसी, बोले कुछ नहीं है। बोला अच्छा,
कॉस्मिक देखो बाइट के कितना, बहुत लोगों ने रिव्यू देखे दिए थे, और शायद पुणे में ही है वो, मैं भी पुणे में ही हूँ तो हाँ सोचा कि ठीक रहेगा, कोई प्रॉब्लम आई तो सीधा ऑफिस चले जाएंगे। जी नाइचेरिया में सर, जर्मन लोग, जर्मन इफिशिएंसी, मेरा बहुत मन है लेने का, मैं तो सोच रहा हूँ अब ले लूँ। मतलब कौन सा हॉट स्वैपेबल वाला कोई भी कीबोर्ड ले लो और जाके सारे चेंज कर दो, यही ना। हाँ, एटलीस्ट कॉस्मिक बाइट का ये जो है मेरे पास में, उसमें तो लिखा हुआ था कि सपोर्ट करता है। कई बार जैसे तुमने ये इसमें वाला लिया है प्रॉब्लम क्या? थी, नहीं, जिसमें व्हील है, उसका क्या नाम है, व्हील? साइड में वॉल्यूम वॉल्यूम का व्हील, मतलब वो है। अच्छा अभी रिसेंट नहीं लिया क्या? तुम बहुत पहले एग्जैक्ट लिया था क्या? मॉडल, तब हट गया होगा। एक सेकंड में मॉडल चेक करके बताता हूँ। कॉस्मिक वाइट व्हील कीबोर्ड, ये है क्या? इक्विनट्रॉडिक्स और टॉरस। अस्त्रा है, अस्त्रा। कॉस्मिक वाइट एस्ट्रा हाँ, आउट ऑफ स्टॉक, और अमेजोन पे ये रहा आउट ऑफ स्टॉक। अच्छा ये वाला है, देखने में अच्छा लग रहा, बट अ बिट एक्सपेंसिव। अच्छा ये अच्छा, चलो जाने दो, अब तो है ही नहीं स्टॉक में, तो क्या डिस्कशन करना। ये क्या कर रखा है इन्होंने, अपना वेबसाइट है भगवान। मान लो मैं 2000 की कीबोर्ड खरीद लूँ, कितना ये छोटा वाला कीबोर्ड। इसमें सपोर्टेड कौन से हैं? ओ अच्छा ऐसा भी है क्या? स्वैपेबल है क्या? हाँ हॉट स्वैपेबल है वो, तो मैंने देखा था कहीं पे, एक सेकंड रुको। ओटेमो है, ठीक है। स्वैपेबल ऑटोमो ब्लू स्विचेस, लेकिन ये नहीं पता कि बाकी लगना चाहिए क्या? तो ओटेमो के तो लग जाने चाहिए, ओटेमो के जितने भी हैं नहीं, मतलब टाइप्स के, अगर ऑटोमेटिक सपोर्टेड है तो उसके भी लग जाएंगे ना, चेरी के, जेआईएमएक्स के मैंने ऐसा नहीं होता तो क्या? लगाए हैं। मैंने तो लगाए हैं उसमें। दोनों का साइज नहीं होता क्या सेम? मुझे लगा सेम होता है। कैन आई एक फिट? मुझे प्रॉब्लम ये आई थी कि ओटेमो के ही मेरे पास में शायद ब्लू स्विचेस थे, उनमें प्लास्टिक के दो साइड में थे, वो मेरे इस दूसरे वाले में नहीं लग रहे थे, तो हाँ वही वो वो बोलो, मैंने चेरी एमएक्स का क्लोन कटर है, से काट वही दिए। मैं कह रहा था, हाँ चेरी एमएक्स का क्लोन है, वही तुम्हें बोलूँ। हाँ क्या बोला अभी तुमने, क्या बोला? मैं पूरा मिस कर गया, फिर से बोलना। जो मेरे पास में, हाँ इसी में ही थे शायद, ओटेमो में ही, सॉरी अस्त्रा में जो ब्लू स्विचेस थे वो मैंने मेरे जेब्रोनिक्स में लगाने की ट्राई की, तो उसमें साइड में दो प्लास्टिक के वो बीच में आ रहे थे, तो जेब्रोनिक्स वाले स्विच और इस स्विच को जब मैंने देखा तो उसमें दो प्लास्टिक के थे, तो वो मैंने जस्ट एक वायर स्ट्रिपर से दोनों वो काट दिए तो लग गए। अच्छा जो पिन है वो दो ही पिन है तो चलता है। ऑफिशियली वो नहीं बोल सकते कि हम सपोर्ट करते हैं शायद, बट लेने के बाद यूज़ कर लो, वही इसलिए सेफर साइड वो 10 का पैक मंगा लो, अगर सब चल जाता तो फ्यूचर में कहीं से ज़्यादा वाले ले तो लो। मैं वही सोच रहा हूँ कीबोर्ड लेने का, लेकिन अपने से छोटे में नहीं होता। गेमिंग के लिए सही है हाँ यह छोटा साइज, माउस अटकता नहीं है बार बार, वो तो मैं समझता हूँ, लेकिन अपन टाइप ज्यादा करते हैं, अपन गेम कम खेलते हैं। इसीलिए मेरे पास हाँ दोनों है। जेब्रोनिक्स हाँ वाला फुल साइज अच्छा है। अच्छा अच्छा ध्यान नोटिस नहीं किया मैंने। ये हो गया ऑफिस ऑफिस का काम करने के लिए, काम वाम करने के लिए, और ये हो गया गेम खेलने के लिए। यार एक बात बताओ, इतने पैसे थे तो वैल्यू क्यों कह लिया? अच्छा अभी नहीं थे, थोड़ा सा अभी रिसेशन चल रहा है ना मार्केट हाँ में, इसलिए पहले। अच्छा, ये हेडफोन मत बोलना महंगे वाले हैं, 10,000 वाले हैं क्या? तो नहीं, ज़्यादा महंगे वाले नहीं है। बता रहा जरा, तुम्हारा ज्यादा महंगा कितना होता? बोलो बोलो, हम सुनना चाह रहे। अभी 3-4 हज़ार वाले ही होंगे, अच्छा उससे महंगे वाले भी थे वो खराब हो गए, तो अच्छा अभी लगभग ये क्या तीन है? तीन चार ये USB 2 बेसिकली वो ऑडियो कनेक्टर जिसमें दो हेडफोन और एक माइक लग जाता बाप रे, ये लेने की जरूरत पड़ गई? है। हाँ वो थोड़ा इजी रहता है ना, इसमें वॉल्यूम का स्विच है, माइक म्यूट अच्छा ये का वो हार्ड नहीं, स्विच है। घर में तुमने ग्राउंडिंग कर रखी है, अर्थिंग कर रखी है? क्योंकि हाँ होनी चाहिए, यूएसबी वाला है ना ये तो। जब भी मैंने यूएसबी यूज किया है ना, वो स्टैटिक नॉइज बहुत आता है माइक में,
अच्छा, तो मेरे खास। मदरबोर्ड में ना एक अलग से एक पोर्ट अच्छा है ऑडियो वाला हाँ स्पेशल, जिसमें स्पेशल कैपेसिटर और पता नहीं क्या कुछ कर रखा है उसमें। इवन बायोस में उसका वोल्टेज भी चेंज कर सकते हैं, अगर इसमें अगर कोई एम्पलीफायर लगाते हैं ना अलग से हाँ यूएसबी वाला, तो उसमें दोनों चीज़ें हैं कि वो जो कैपेसिटर या जो सर्किट है वो नॉर्मल सर्किट से अलग है, तो कोई नॉइस नहीं आएगी। और अगर तुम्हारे को एम्पलीफिकेशन करना है तो उस यूएसबी पोर्ट का वोल्टेज इंक्रीज कर सकते हैं बायोस में जाके। अच्छा, वीडियो में कुछ और कहना है? वीडियो रिकॉर्डिंग बंद करते, फिर अपना आराम से बातें करते हैं। और कुछ है क्या कहने के लिए? SSD डाल दिया तुमने, बस रैम रह गया टेस्ट करना। 64 GB तो पता था मुझे कि 64 GB होगा, है ना। हाँ, बस रैम रह गया, रैम रह गया, रैम रह गया, मैं भी रैम नेक्स्ट से सेल में। मेरे को ही रह गया लैपटॉप लेना। अच्छा, तब रिकॉर्डिंग बंद करते हैं। बाकी किसी को क्वेश्चन होगा तुम्हारा कमेंट पिन कर दूंगा, तुमसे पूछेंगे, या बेस्ट रहेगा। मैं तो कह रहा हूँ, लैपटॉप आ गया, चैनल खोल लो, एक डाल दो, दो चार खाली सी वीडियो, किसी पे वीडियो।